जी। सबसे पहला ट्रैक्टर एव इंटरप्राइज कोटा पे राजस्थान में आया है वो टाइगर 45 आया है, जो 50 एचपी ट्रैक्टर है। अच्छा, ये राजस्थान के अंदर जो अपना पहला ट्रैक्टर है ये लॉन्च की है, तो इसमें और जो पहले वाली जो सीरीज आ रही थी तो उसमें कुछ प्राइस का भी अंतर है वो भी बताइए। ट्रैक्टर है बड़ा सोनी सीरीज के अंदर आया है ये वाला मॉडल सिकंदर, जैसे वो वाले मॉडल देख रहे हो पहले उस वाली सीरीज के अंदर था ये। वहां पर मैं बताऊं आपको, ये देखो भाई इधर से वैसी ही सीरीज ये है, ये देख सकते हो 745। अब यहाँ पर ये आपको ये मिलेगा भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। तो भाई आज की वीडियो के अंदर देखो भाई सोनालिका की जो डीलरशिप है भाई अपन कोटा के अंदर, यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि हर बार यहाँ से वीडियो मिलती रहती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक मॉडल दिखाने वाला हूँ जो बिल्कुल न्यू लेटेस्ट लॉन्च है। ये वाला मॉडल यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको, ये देखो टाइगर DI 745 ये वाला जो मॉडल है अब ये किसान भाइयों को मिलने वाला है भाई। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जो यहाँ के डीलर साहब है उनसे जानेंगे ट्रैक्टर के बारे में, और मैं आपका जो इंट्रोडक्शन है करवाता हूँ जो सर से। नमस्कार जी सर। किसान भाइयों को नमस्कार। तो सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल में स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो मॉडल लॉन्च किया है कंपनी ने, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएं और अपनी डीलरशिप के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। हमारी कंपनी ने जी, पहले भी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल थे जी, परंतु कंपनी ने अभी टाइगर सीरीज में सभी रेंज में ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं जी। सबसे पहला ट्रैक्टर एव इंटरप्राइज कोटा पे राजस्थान में आया है वो टाइगर 45 आया है, जो 50 एचपी ट्रैक्टर है। अच्छा, ये राजस्थान के अंदर जो अपना पहला ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर जो आया है वो 745 टाइगर जी, 50 एचपी श्रेणी है जी, जी। 3065 सीसी का जो इंजन है वो पहला ट्रैक्टर कोटा में डीलरशिप पे आ चुका है। अच्छा अच्छा, तो सर जो अपने यहाँ पर जो ज्यादातर कौन कौन से ट्रैक्टर ये डिलीवर हो पाते हैं, कहना मतलब यहाँ से अगर 745 सिकंदर सीरीज में जी जी, टाइगर 50 52 एचपी में जी, परंतु किसान भाइयों के लिए 745 टाइगर भी बहुत अच्छा उपयोगी साबित होगा जी जी जी। अब सर इसके बारे में थोड़ा बहुत नीचे से जान लेते हैं, इसका जो डिजाइन वाइज जो बात करें तो ये टाइगर सीरीज के सभी मॉडल जी जी हमारी कंपनी ने यूरोपियन डिजाइन में किया है, ये एक्चुअली में एरोडायनामिक शेप है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, नई डिजाइन है। इंजन जो कैपेसिटी है 3065 सीसी का इसमें इंजन है। अच्छा, और सिलेंडर की बात करें तो कितने सिलेंडर, 3 सिलेंडर इंजन है। अच्छा, इसके अंदर 3 सिलेंडर वाला इंजन दिया हुआ है कंपनी। इसकी जो टॉर्क है वो 205 है। अच्छा, 205 है। और इसके जो इसके बारे में एक्सल है जी, वो बिल्कुल फ्लैट है, सिंगल में है, सिंगल में है, ये भी काश्तकारों के लिए अच्छा उपयोगी होता अच्छा, है। अच्छा अच्छा, आगे के टायर इसके 750 में मिलेंगे। अच्छा, आगे वाले तो 750 की साइज में मिलेंगे, और पीछे वाले आपको 14 9 28 साइज में मिलेंगे। सर इसके जो गियर शिफ्टिंग के बारे में जानते हैं, सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स है इसका। अच्छा, जो सिकंदर सीरीज में भी आता है और टाइगर सीरीज में भी आता है, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, लंबे समय से काश्तकार इसको यूज कर रहा है तो ठीक है इसका। तो यहाँ पर से देखो भाई इसका जो गियर शिफ्टिंग है, जैसे सर ने बताया अपन को ये हाई लो, और इसका मेन गियर यहाँ पर आप देख सकते हो साइड पर प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है, ड्राइवर को बिल्कुल स्पेस मिलता है यहाँ पर, उससे बैठने में आरामदायक होती है। हमारी जो कंपनी है वह समय समय पर मॉडलों को अपग्रेड करती रहती है, उससे किसान भाइयों को समय के अनुरूप उनको जो जरूरतें होती है आराम से पूरी हो जाती है। अब सर थोड़ा सा जैसे पीछे से भी बताने की कोशिश करें किसान भाइयों को। किसान भाइयों पीछे इसमें डबल ये दे रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ, जो अभी के टाइम में जो भी इम्प्लीमेंट आते हैं, जो भी इम्प्लीमेंट आते हैं सब में उपयोगी है। और इसकी जो सेंसिंग के बारे में भी बताइए सर थोड़ा सा, जैसे बाकी के अंदर तो 3 पॉइंट आते हैं पर यहाँ पर 4 4 पॉइंट मिल जाते हैं किसान भाइयों को, एडजस्ट के लिए काश्तकार को लिए बढ़िया रहता है। अच्छा, उसको सेंसिंग को कंट्रोल, हाँ, अपनी जरूरत के हिसाब से वो लगा सकता है। हिच भी बढ़िया, इसमें डीसी लीवर भी दे रखा है, जो ट्रॉली को इसी से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। हाँ, सीट पे बैठे बैठे काम में ले सकता है किसान भाई, लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। और इसका जो पिछला वाला जो हिस्सा है, पिछला वाला हिस्सा बढ़िया एडजस्टेबल हुक है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो। जी जी जी, अब सर थोड़ा इधर से दिखाए, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखेगा भाई ये वाला मॉडल आपको, ये वाला मॉडल है टाइगर। टाइगर में वो आपको आने वाले समय में टाइगर 42 भी मिलेगा। अच्छा, टाइगर 47 भी मिलेगा जी जी, टाइगर 50 हमारा ऑलरेडी आ ही रहा है। और इसके लिफ्ट
कैपेसिटी की बात करें तो सर 2000 केजी। अच्छा अच्छा, लिफ्ट कैपेसिटी 2000 है भाई, देख सकते हो। और इसकी जो मैं प्लेट है वो अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप इसकी जो कंपनी द्वारा प्लेट मेंशन की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग, जो तीसरे महीने की, इसी महीने की मैन्युफैक्चरिंग है भैया 2024। और इसका मॉडल देख सकते हो आप, पीटीओ पावर भी देख सकते हो 33.1, और एचपी की बात करें तो 45 एचपी की पीटीओ पावर के साथ मिलेगा ये। और एसएफसी भी देख सकते हो आप 275। सर जैसे ये वाली जो सीरीज लॉन्च की है, तो इसमें और जो पहले वाली जो सीरीज आ रही थी, तो उसमें कुछ प्राइस का भी अंतर है वो भी बताइए किसान भाई। पहले वाली सीरीज सिकंदर सीरीज और टाइगर सीरीज में पर एचपी जो एवरेज अंतर आता है वो 30 से 35 हजार का लगभग अंतर है। अच्छा अच्छा, 35,000 रूपये ये महंगा मिलेगा तो वहाँ पर किसान भाइयों को फीचर भी ज्यादा मिलेंगे और मॉडल भी पूरा चेंज कर दिया कंपनी ने। तो ओके सर, हमारे किसान भाइयों को एक छोटी सी जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर आपका। तो भाई लोगों, जैसे हमारे यहाँ के डीलर साहब है, उन्होंने ये जानकारी दी भाई। और ट्रैक्टर है बड़ा सोनी सीरीज के अंदर आया है भाई ये वाला मॉडल सिकंदर, जैसे वो वाले मॉडल देख रहे हो पहले उस वाली सीरीज के अंदर था ये। वहां पर मैं बताऊं आपको, ये देखो भाई इधर से वैसी ही सीरीज ये है, ये देख सकते हो 745। अब यहाँ पर ये आपको ये मिलेगा भाई टाइगर। तो भाई उम्मीद करूंगा वीडियो के अंदर एक छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।